already come this far. There's no way out. कितने लोगों को ये लगता है कि प्रतीक्षा लकी है कि उन्हें अंशुल जैसे लाइफ पार्टनर मिले? वो लोग चिल्लाएंगे ओके okay, और आप जिनको लगता है कि अंशुल लकी है जिन्हें प्रतीक्षा जैसी लाइफ पार्टनर, अंशुल आई एम सो सॉरी टू से बट मुझे लगता है आपसे ज्यादा जो फैन फॉलोइंग है वो प्रतीक्षा की है यहाँ पर, ठीक है? सो यस यस शांत, हाँ सो यकीन मानिए मैंने इतने संगीत कर लिए हैं बट अभी भी मेरी वैधानिक जिम्मेदारी बनती है, अंशुल अभी भी टाइम है, स्माइल देख रहे हैं, आखिरी बार हंस रहे लगता है। सो यकीन मानिए आज मुझे अंशुल को देख के शहीद भगत सिंह की याद आ रही है। ऑलराइट, तो जरा ये अच्छी लगती है आपको, आवाज सुनाई नहीं दी किसी को, अच्छी लगती है? तो जरा इनकी आंखों में आंखें डाल के रोमांटिक होते हुए जरा बोली दीजिए कि तुम कहो तो सोने का हार ला दो, तो सोने का हार ला दो, तुम कहो तो बेंगलोर का अचार ला दो, बेंगलोर का अचार ला दो, सिर्फ एक बार हाँ कर दो, सिर्फ एक बार हाँ कर दो, तुम्हारे जैसी दो चार ला दो, चार ला दो। आप मुझे बताइए कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 28 और आपकी? 28। अच्छा, आपके भी 28 ही हुए, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो मैं शो शुरू होने से पहले मम्मी जी से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा मम्मी जी आज तो आप बहुत खुश होंगे, इतना खुशी का मौका है, दिल से खुश होंगे। मम्मी जी ने बोला खुशी छोड़िए गिरीश, मैं तुम्हारे अंकल से इतनी नाराज हूँ कहने की हद नहीं है। आपको पता क्यों नाराज है? नहीं बताया मम्मी जी मुझे? नहीं, आपने जो मुझे बोला ना, मम्मी जी मुझे बोलते हैं गिरीश बेटा बेटे की शादी होने जा रही है लेकिन 28 साल हो गए हैं आज तक तुम्हारे अंकल ने कभी मुझे आई लव यू नहीं बोला। ये हो रहा वहाँ सीटियाँ वीटियाँ भी बजे, तो पापा जी थोड़ा रोमांस संशुल को भी सिखाना जरूरी है, तो मौका भी है दस्तूर भी है, थोड़ा चिल्लाइए तो सही, तो जरा हो ही जाए इनको देख करके। 1 2 3 एक्शन। आई लव यू, आई लव यू टू। आपने मुझे देख के बोला है। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, इनकी साड़ी देख रहे हैं जरा, एक सेकेंड। पहले तो मैं चाहता हूं कि ये जो मनीष मल्होत्रा का फैशन शो करके आई है यहाँ पर, इनकी साड़ी के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाइएगा। क्या नाम है आपका? बबीता जी, कौन सी बाप ना, किस फैमिली से हैं आप? मैं दोनों की फैमिली से, अशोक की कजिन हूँ और रमेश के लिए। एक को सपोर्ट करना पड़ेगा आज, दोनों में नहीं जाना पड़ेगा। यू आर नो यूनानिमस, क्या बात है। लेकिन इनका नाम बबीता है लेकिन आज से सब लोग हम इन्हें फैमिली की रेखा कहेंगे। सो अच्छा, आपकी मम्मी आपसे प्यार तो बहुत करती होंगी, तो आपकी मम्मी ने आपको आई लव यू बोला है? और आपकी मम्मी ने आपके पापा को आई लव यू बोला है? नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। थैंक यू, बाय बाय बाय। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारे पास एक विद्या हो, हम किसी का भी हाथ पकड़ के उनके दिल की बात जाकर, एका एका इनका दिल बोलत है महफिल को चाहिए ताली है, और इनके लिए इनकी बीवी से खूबसूरत पड़ोस वाली है।
चीज दिल से बोलना चाहती, हम पूरी दुनिया में हबी भी करती, सैफ करीना की संगीत में भी करती, लेकिन हमारे पूरे सऊदी अरब में भी ऐसा हबीबी हमें नहीं मिलती। शोर तो मचाइए और जरा चुटकी लगा के स्टेज पर तो देखिए ये कौन आ गए हैं। आशीष ये क्या? आशीष जी आपका दिल बोल रहा है गर्लफ्रेंड देखन मैं चला, गर्लफ्रेंड मिली ना कोई, भैया भैया सब कहे सैया कहे ना कोई। सो थैंक यू। कैसे हैं आप सब लोग? आपने भी जाना कौन हूँ मैं? आप जानना चाहते हो मैं यहाँ किन के लिए आई हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ अंशुल आप भी ध्यान दो प्लीज, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ सबसे हैंडसम, सबसे डैशिंग, मोस्ट एलिजिबल बैचलर अर्पित बाफला के लिए आई हूँ। कि बहू रानी बिल्कुल ऐसे एकता कपूर के सीरियल जैसी, कि आज हम बाफना फैमिली की औरतों का सबसे बड़ा हथियार तुम्हें देने जा रही हूँ। ये सबसे बड़ा हथियार है जिसको बाफना फैमिली की औरतें सालों साल तक यूज करती हुई आई है। तो आप जो आज तक नहीं बोल पाए आज मैं आपसे बुलवा रहा हूँ, तो आप अंशुल को बोली दीजिए कि अंशुल बेटा ये वचन दो कि शादी के बाद तुम और प्रतीक्षा मिलकर एक क्रिकेट टीम तैयार करोगे। ये वचन दो कि शादी के बाद किसी भी फंक्शन में मुझे मम्मी या सासू माँ कहकर नहीं बुलाओगे क्योंकि आज भी मैं 18 साल की दिखती हूँ। क्या बात है हम छोटे मंदिर के पुजारी हैं। अरे जजमान जी के लिए थोड़ा शोर तो मचाइए।
जरा जजमान जी हाथ दिखाइए, क्या नाम है आपका? दिनेश जी, आपके घर में खुशियां आने वाली है, आपके घर में खुशियां आने वाली है, आपकी बीवी मायके जाने वाली है। और देखिए हमारे महावीर जी ऐसे हैं कि इन्हें गले लगा दिया जाए तो रजाई ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आज फन और मस्ती का माहौल है बिल्कुल। ये हमारे प्राइड की फैमिली, कुछ नहीं करना है, जो भी सबसे बेस्ट करेगा। अंशुल आपने जो कहा था ना कि 5 लाख रुपए जो आपने कमा के रखे इंद्र जौहर देने, तो इनमें से एक को दिया जाएगा, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ शेयर मैनेजमेंट वालों से 5 लाख रुपए जो कैश पड़ा है वो प्लीज यहाँ पे मंगवा दें। और कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारी ब्राइड प्रतीक्षा का कहना था कि मेरे जो अंकल्स हैं उनके साथ गिरीश भाई फुल मस्ती होनी चाहिए, कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी, मुझे पता है ये मेन अपनी एक ही कुर्ते वाले हैं तो महंगे वाले ही हैं सब लोग। हाँ, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल रोमांटिक होते हुए आपको बोलना है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। देखते कौन बेस्ट बोलता है, समय की कमी है, सुपर फास्ट लचक के साथ, ठीक है? 1 2 3 स्टार। एक चुटकी की सिंदूर एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल रोमांस कर रहा है। अच्छा हाँ सर, आप पीछे नहीं छुप सकते, महावीर जी मेरी पूरी नजर है। हाँ ओके, बिल्कुल रोमांस, ये तो वाकई इनके अंदर लचक है। हाँ सो हाँ 1 2 3 स्टार। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तो रात को तुम जानोगे अंशुल। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी नाइस, आपको मिल सकते हैं 5 लाख रुपए। वैसे तो आपकी नजरों से नजरें मिलाने को जी चाहता है पर क्या करें, ये कमबख्त चश्मा बीच में आ जाता है। हाँ सो जरा हो जाए रोमांचिक ढंग से, बिल्कुल 1 2 3 स्टार। कहते क्या बोलने का है, और भाई थोड़ी अदरक की चाय लाई जाए। हाँ हाँ, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। और भाई ये बिल्कुल राजेश खन्ना वाला साइल था। आइए 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 सर। हाँ चलिए 1 2 3 स्टार। एक चुटकी सिंदूर की, एग्जाम नहीं चल रहा सर, एक चुटकी सिंदूर की डब्बी डब्बी तुम न जानो सुशीला। ओह माय गॉड, आइए आइए महावीर जी। हाँ अब ये भैया हमारे, हाँ 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 अच्छा भाई हैं, ओके महावीर जी 1 2 3 लचक के साथ। हाँ शुरू हो जाए 1 2 3 स्टार। एक चुटकी सिंदूर, ब्रेकअप हुआ है क्या सर किसी से? हाँ अच्छा हाँ थोड़ा रोमांस के साथ। हाँ एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। भाई साहब आपकी लाइफ में कभी रोमांस नहीं आ सकता। सर यकीन मानिए, सर को देख के ऐसा लग रहा है कि हमारी महफिल के सलमान खान यहाँ पर हैं। यकीन मानिए इनके लिए थोड़ा शोर मचाएंगे। सर आपके लिए डायलॉग चेंज होना बनता है, एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लूँ उसके बाद में नरेंद्र मोदी की भी नहीं सुनता। एक चुटकी सिंदूर की तुम क्या जानो रमेश भाई, इसकी कीमत तो हम ही जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि यश चोपड़ा जी जहाँ कहीं भी हो इनको एज ए राइटर फिल्म में ले लें। ऑलराइट सर, सबने बोले आपको तो सिर्फ एक ही चीज बोलनी है कि पत्ते हिलते नहीं, पत्ते हिलते नहीं, हवा हिलाती है, हवाएं अपने आप हिलाती है, हस्बैंड बिगड़ते नहीं, हस्बैंड बिगड़ते नहीं, वाइफ बिगाड़ती है। ऐसा तो नहीं ये जो, और पापा जी को तो हमने पहले यूज कर लिया, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन जिनको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं इनके लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। सो आपको 5 लाख रुपए अंशुल की तरफ से मिलेंगे, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, पुराने वाले 500 और 1000 रुपए दिए जाएंगे। सो थैंक यू एंड यू ड्यूज कंग्रेचुलेशन टू द कंप्लीट फैमिली। मैं पहली बार, मेरे 60 इयर्स की एज में पहली बार ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर मैं पूरी संगीत संध्या में बैठा हूँ, वरना मैं कभी बैठता नहीं हूँ। इट वॉज रियली गुड, इट वॉज रियली गुड। कमाल क्या भट्ट, कमाल क्या भट्ट। एक तो आपने क्या जो वैरायटी प्रोग्राम दिया ना, वो आपने जो कभी गब्बर बन के आ गए और कभी वो
कौन है, वो बोमन ईरानी। तो यार ये सब क्या, इसके लिए बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं आपको, और मेरे ख्याल से भी मेहनत मेहनत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। Very exciting and I've never seen such a roasting ever in my life, ever. Ladies संगीत में जनरली मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम आपने बांध के रखा, लेने दिया, कुर्सी से भी नहीं उठने दिया।